नीतीश के राज में घोर भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है और नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। विकास का मतलब है कि शिक्षा में कितना ऐसे सुधार हो रहा है, यहाँ के लोगों को कितना ऐसे रोजगार मिल रहा है। जनता नीतीश कुमार के झांसा में 15 साल उन्हें रहा, या नरेंद्र मोदी रहे या कोई मोदी रहे, इनका चलने वाला नहीं। नीतीश की सरकार में शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही गिर चुका है। इस बार राजद की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं तबरेज अंसारी, कैमरामैन नवीन कुमार के साथ। आइए देखते हैं इस बार का चुनाव किसकी बनेगी सरकार, जानते हैं जनता की राय। अब की बार किसकी सरकार है? अबरी बार तेजस्वी सरकार। क्यों, नीतीश से क्यों नहीं? नीतीश के इसलिए, नीतीश के राज में घोर भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है और नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। इनका और मोदी जी का केवल जुमला है। इसलिए तेजस्वी यादव जुआ है, जुआ सरकार, तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। आप बताइए इस बार किसकी सरकार? तेजस्वी की सरकार बन रही है, चूँकि इसलिए कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार से में लिप्त हैं और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया नहीं कराए और जो प्रवासी आए उनके साथ भेदभाव का विचार रहा और हम लाचार हैं, हम गरीब जनता हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार बने जो गरीबों की और व्यवस्था को दुरुस्त कर रखे। यहाँ पे लगता है कि सभी जो हैं कि नीतीश के सपोर्टर हैं या उनके वोटर हैं, आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार राजद की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी। क्यों, नीतीश से क्यों नहीं? नीतीश इसलिए कि नीतीश की सरकार में शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही गिर चुका है। यहाँ एमए पास भी चपरासी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। दूसरी कारण है कि नीतीश बूढ़े हो चुके हैं, उनकी दिमाग सही तरह से काम कर नहीं रहा है, वे पिछलग्गु बने हुए हैं। आइए जानते हैं एक और चाय दुकान पे क्या स्थिति है, इस बार किसकी सरकार बनेगी वो क्या बताते हैं। उनके पास तो प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति आते जाते हैं। इस बार किसकी सरकार है? लालू जी के। क्यों, नीति से क्यों नहीं? कुछ हम लोग का पूर्ति नहीं हो रहा है सर। किसकी सरकार बनेगी? जहाँ तक हमको लगता है कि आरजेडी की बननी चाहिए, लेकिन इधर आरजेडी तो खड़ा हुआ नहीं, इधर हुआ है माले, शायद वही बने। क्योंकि हवा आजकल जितना भी आ रहे हैं बोल रहे हैं सब कि आरजेडी जीतना चाहिए, क्योंकि नीतीश सरकार तो कुछ कर नहीं पाए, जो इतना अपने वादे पर खड़ा उतर नहीं पाए हैं, तो शायद आरजेडी आए। बताइए इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार क्यों नहीं? 15 साल में इन्होंने जो बिहार का स्थिति बना के रखा है, जिस कदर बेरोजगारी बढ़ी है, जिस कदर आपको लॉकडाउन में आपको जो प्रवासी हमारे मजदूर भाई आए, कोई सुविधा नहीं, कोई इन्होंने कोई लाने का इंतजाम नहीं किया, इससे बहुत नौजवानों में क्षुब्ध है और इनके खिलाफ वोट करेंगे। आप बताइए इस बार किसी महागठबंधन में देंगे? नीतीश कुमार क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, कोई विकास के काम नहीं किए हैं। नाली गली तो बना है जी, नाली गली तो बना है, नाला गली गली बचा है, बना है तो माने वो तो जैसे तैसे बना के चला गया है। आप बताइए इस बार किसी सरकार बनेगी? महागठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी के क्यों नहीं? बीजेपी के इसलिए नहीं बनेगी कि बीजेपी के यहाँ उनके ऐसे सहयोगी यहाँ बिहार में ऐसे उनकी सत्ता में हैं और जो विकास का है ऐसे कुछ काम यही नहीं हुआ। विकास का यहाँ होता है कि विकास किस क्षेत्र में कर रहे हैं भाई, नली गली सड़क बनाना ये ऐसे विकास का ऐसे गुण नहीं है। विकास का मतलब है कि शिक्षा में कितना ऐसे सुधार हो रहा है, यहाँ के लोगों को कितना ऐसे रोजगार मिल रहा है, कितना ऐसे लोगों को ऐसे यहाँ पर जो है इलाज हो रहा है, ये सारी चीज़ यदि ऐसे नहीं ऐसे काम हो और कोई नली बना दे, गली बना दे, इससे ऐसे यह विकास का मॉडल नहीं है। बिहार में जैसे शिक्षा ही चौपट हो जाएगी, विकास कैसे? आप बताइए इस बार किसी सरकार बनने जा रही है? महागठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार क्यों नहीं बनने जा रहे? नीतीश कुमार 15 साल जो सत्ता में आए, बहुत जनता को उम्मीद थी भाई नीतीश कुमार आए हैं तो विकास करेंगे, लगा था जनता के, और जनता नीतीश कुमार के झांसा में 15 साल उन्हें रहा। लेकिन नीतीश कुमार जो केंद्र में भाजपा सरकार नीति बनाती है उसी नीति को पालन करने में यहाँ भी बिहार में नीतीश कुमार लग जाते हैं।
देखिए अभी देखिए ना भाई, आप नीतीश कुमार कहें कि भाई हमने दारू बंद किया बिहार में, लेकिन अभी चलिए हर गांव में देखिएगा कि हर गांव में 10 जगह 20 जगह दारू बिक रही है। तो दारू बंद किया कि दारू पूरे घर में बेचवाना शुरू करवा दिया, ये इनकी नीति चल रही है। इस नीति से भी बड़ा बिछूब है। फिर देखिए कि इनका भी आज मान लीजिए मनोज तिवारी आए थे हाल ही उनका एनडीए के गठबंधन के मसरमा में, उन्होंने बोला कि भाई 10 लाख कहाँ से तेजस्वी रोजगार देगा, इनका पास रोजगार कोई एजेंडा नहीं है। तो तेजस्वी बोल रहे हैं कि भाई हम रोजगार देंगे, तो कहाँ रोजगार कहाँ से देगा। अब नीतीश कुमार के नौजवान रोजगार देने की कोई योजना नहीं है, लेकिन महागठबंधन पास में रोजगार देने के योजना है। 5 लाख लोग अभी खाली पद है, उसको आराम से भर सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, बहुत सा पद खाली है, बहुत सा अभी नौकरी की जरूरत 10 लाख यहाँ 15-20 लाख नौकरी दे सकते हैं बिहार में। लेकिन महागठबंधन ने घोषणा किया है और हम समझते हैं तेजस्वी घोषणा किया है अभी नौजवान को नौकरी मिलेगा, और नौजवान पूरा नौजवान आज बिहार का नौजवान जो है पूरा आज महागठबंधन को देख रहे हैं, एनडीए को नकार दिया है। आपने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ उसमें जो प्रवासी मजदूर थे बिहार के, नीतीश कुमार बिहार में नहीं मंगवा रहे थे, ढुकने नहीं दे रहे थे, उसके लिए आंदोलन हुआ, उसके संघर्ष हुआ। तमाम गरीब देख रहे हैं कि भाई ये जो भाजपा की सरकार है नीतीश है, ये किस तरीके से मजदूर के जो संकट में खड़ा नहीं हुआ, आज इसको भी आज बदला लेने के लिए आज मजदूर लेगा। देखिए किसान का हालत क्या है, आज किसान का हालत है जो नया जो कानून बनाया कृषि कानून, इस कानून में कृषि भी छीन रहे हैं, खेती भी छीन रहे हैं किसान से, मजदूर से। अब मजदूर नौकरी चल गया है ना, रेलवे चल गया, खेती जा रही है, LIC सब तो बेच रहे हैं देश को। अब देश को बेचने के साथ जनता न रहेगी, देश को बचाने वाला जो नया गठबंधन बना है भाकपा माले के साथ है ना, उसमें 5 पार्टियाँ हैं, CPI CPM कांग्रेस RJD, यह बहुत मजबूत गठबंधन है। यह किसान मजदूर महिलाओं का सभी का बरियार एकता है, इस एकता से आज बिहार में पूरे लहर चल रही है। नीतीश कुमार के साथ में तो भी BJP नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आप देखें ना कि भाई जो काला कानून लाया जैसे रोजगार खत्म कर दिया उन्होंने, रोजगार पूरे चौपट, शिक्षा चौपट कर दिया उन्होंने, कृषि चौपट कर दिया। इससे आप देखिए आपको पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, इसका पूरा देश से प्रभाव पड़ रहा है इस नीति के चलते है ना। इसको चलते या नरेंद्र मोदी रहे या कोई मोदी रहे, इनका आप चलने वाला नहीं है। जनता समझ गया, इन्होंने बोला था कि हमने 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों का, लेकिन 2 करोड़ नौजवान देने के बदले हर साल नौकरियाँ खत्म कर दिया। अब दे कहाँ से, तो रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए। तो जनता और नौजवान समझ गया कि अब नरेंद्र के पास अब मोदी के पास में रोजगार नहीं है, इसे वहाँ झांसा है और झांसा में जनता नहीं आएगी। आप कलेर से देख रहे थे, अरवल विधानसभा क्षेत्र के कलेर बाजार से, कैमरामैन नवीन कुमार के साथ तबरेज अंसारी, नेशन न्यूज अरवल।